आज ना सुबह से माहौल लड़ाई झगड़े वाला है, पता नहीं किस टाइम किस समय मेरी बहन से लड़ाई झगड़ा हो जाए। तू तो पूरा मुंह फुला रहता है, मैं तो नाकी फुला। चल तैयार होके बैठ जा, ऐसे अच्छा लगता है यार। देखिए लाइट कितनी सुंदर लग रही है। जैसे मैंने काफी ज्यादा पानी था उसमें पैर रख दिया। ओहो, ये मशीन इसी के लिए लेकर आए है। अभी जब तक ये राज जहाँ रहेगी ना, 10-12 सूट सिलवाएंगे तो हमारा मशीन का निकल जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, हम सब बढ़िया हैं। और आज के ब्लॉग के करते हैं शुरुआत। कल मैं ब्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि कल गए थे आराध्या को हॉस्पिटल लेने, और कल इसकी छुट्टी 1:30 बजे करीब हो गई थी, वे घर पे ले आए थे। अभी इसका बिल्कुल ठीक है, जो पट्टी पुट्टी बिल्कुल उन्होंने खोल दी है, तो डॉक्टर कह रहे थे कि अभी आप घर पर ले जाओ, सब बढ़िया है। उसके बाद हफ्ते के बाद या 15 दिन के बाद इसको आप ना दिखाते रहना। तो अभी कुल मिला के ठीक है, मेरे पीछे खड़ी है। अभी इसने कल से ना तंग करके रख दिया। और कैसे हो? हाँ, मैं ठीक हूँ। सुबह से इसको मैं कह रहा था नहा ले, थोड़ा कपड़े कपड़े पहन ले, बट इसने अपने आप को भी ऐसे बना रखे है। देखो राधे को भी ऐसे बना रखा है, राधे ने खुद ब खुद अपना मेकअप किया, नाक से थोड़ा खून निकल रहा है ना। और मम्मी कैसे हो आप? बस बढ़िया, ये क्या है? उसमें से निकले डिब्बे में से निकला। और सब बढ़िया? कुछ लफ्ज कहना चाहते हो? डॉक्टर बढ़िया निकले? अभी ये ठीक ठीक हो जाए बिल्कुल। अब हो तुम? हाँ। ये है कि हॉस्पिटल बढ़िया है, वहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, कि अब बच्चा सही है, अब इसके आंख में पानी भी नहीं निकल रहा, ठीक है, बिल्कुल ओके हो गया। सो अभी टाइम हो चुका है दोपहर के 2:26। सुबह खाना खाया था, आज खाने में 2 सब्जियां बनी थी, एक बना था आलू और प्याज, हरे प्याज। दूसरी सब्जी बनी थी राम तोरी, आपके उधर पता नहीं क्या कहते हैं। राधे मत करो बालों से पंगे बेटा। अच्छा, वो तो कल लेने गए थे, कल दिल्ली में बारिश हुई थी बहुत बढ़िया, तो कल बस भी सारा दिन ऐसे जो सोए रहे, तो मैं क्या कहूँगा। हेलो फ्रेंड्स, घर वाले सोए हैं, तो फिर शाम को निकले थे मम्मी के लिए सूट काटने के लिए, सीजर कैंची लेकर के आए थे। तेरी ड्यूटी कौन से मॉल में आज? क्या हुआ? मैंने ब्लैक ब्लैक पहने आज, देखो ऊपर भी ब्लैक नीचे भी ब्लैक, जैसे मॉल में नायका वाले होते हैं ना, पूरा ब्लैक ब्लैक पहन के। आज ना सुबह से माहौल लड़ाई झगड़े वाला है, पता नहीं किस टाइम किस समय मेरी बहन से लड़ाई झगड़ा हो जाए, तो फिर जिन नाक फुला के बैठ जाएगी, ठीक है। तू तो पूरा मुंह फुला रहता है, मैं तो नाक ही फुला। चल तैयार होके बैठ जा, ऐसे अच्छा लगता है यार सारा दिन से। ऐसी मुझे नींद आई है। नहीं सुबह थोड़ा देख यार, अच्छा लगता है। आज बहन मम्मी का सूट है वो कट करेगी, इसको डिजाइनर का कोर्स करवाया था चंडीगढ़ से, और तकरीबन 1.5 साल का कोर्स लगा था, इसको आया नहीं था, और 6 महीने इसके और लगे थे, और तकरीबन 2 साल इसने किया था। किसी प्रकार का कपड़ा, लहंगा, सूट, कुर्ता, पजामा, पैंट, शर्ट, कुछ भी आप सिलवा सकते हैं, नीचे दिए गए नंबरों पे आपने संपर्क करना है। और बस अभी ना पूरा लिख रही है कि किस किस प्रकार से, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। पापा न्यूज़ सुन रहे हैं, ये लिख रही है सारा लेंथ कितने है, फलाना ढमकाना कितना है। सुया आपने जो कोर्स किया था वो कितने साल का? 2 साल का था है? अब ना कुछ टाइम के बाद जो इसकी जेन नस होती है ना, जो फूलने शुरू कर देगी, मैं आपको दिखाऊंगा अच्छी वाली, जे जहाँ से फूलती है, फूलने शुरू होगी ना, जे देखिए जहाँ से। हाँ जी, सो गाइस जे पैसे बना रही है। हाँ। मैं इसको कितने पैसे देने हैं पता नहीं, क्या पैसे बढ़ा रही है क्या? मैं गिटार, हाँ हाँ, 180 हो गए दुपट्टे के, हाँ 50 रुपये हो गए, और अच्छा दवाई 100 की वो। सो ये दवाइयाँ के भी ना पैसे लेती है, कितना बन गया? और बता दो मम्मी, और थोड़े से जोड़ दो इसमें 100-200। और क्या मंगवाया था? खांसी वाली दवाई, वो भी होगी। बहन लगी है सूट को काटने, ये अक्सर हमेशा ऐसा ही करती है कि इसने ना पूरा आगे तक पूरा फैला देना है, पूरी की पूरी ना लुबी कहते हैं ना मुझे, नहीं मुझे गलती निकालनी आती है, मैं इसलिए पास तेरे बैठा हूँ, जहाँ तू गलती करेगी वहाँ तुझे मैं बताऊंगा। सो ये मान लो जैसे तुझे दुकान खोलनी होती, इसको आने दो फिर बात करते हैं। मान लो तुमने दुकान खोलनी होती, रुक तो सुन, बात सुन ले, है जहाँ दिल्ली में छोटी छोटी दुकानें होती हैं, यानी में तो सूट फिर कैसे काटती, इतना तो मिलने नहीं थी जगह, है फिर तो कैसे करती।
सो गाइस वो सामने रखी है जो कैंची लेकर आए थे, मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत बढ़िया है। अभी बहन ने जैसे तैसे करके सूट की कटिंग कर दी, थोड़ा सा किया है, अब इसने नहा भी लिया है। राधा कार्टून देख रही है, मम्मी चाय बना करके ले आए हैं, नमक पारी उस दिन लेकर आया था, साथ में खा रहे हैं, साथ में मट्ठी, मट्ठी कहते हैं इसको। तो अभी गाइस चाय पीता हूँ, चाय पी करके थोड़ा घूमने निकलते हैं, सुबह से अंदर ही हूँ, बाहर निकला नहीं, अभी टाइम हो चुका है, शाम के 5 बज चुके हैं, तो अभी चाय पी करके फिर निकलते हैं। मम्मी लेट हो गए हैं, पहले जाना था मेरे साथ, अभी मम्मी जा रही हैं बहन के साथ, वो कपड़े का कुछ सामान लेने, वो करम रील ये है वो है, क्या बोलते हैं, राधे कह रही है लेज ले आओ, चॉकलेट वाले बिस्कुट। मम्मी जाना है आपने? हाँ जाओ फिर, नमकीन भी ले आए। अभी निकलते हैं, मैं घर से निकल पड़ा हूँ, अभी रास्ते में हूँ और बस ऐसे ही 20 की स्पीड पे थोड़ा घूमते फिरते हैं, आपको दिखाते हैं। अभी हम जा रहे हैं लोधी रोड की तरफ से, तो देखिए कितना प्यारा सुंदर रोड है, इससे आगे चलते हैं, यहीं से आगे अन्य को रोड भी जाता है, ये कितना बढ़िया रोड के साइड साइड पर किया हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है, बाइक रोकता तो बढ़िया रहता। ये देखिए, तो ये जो है ये बस लाइन है और यहीं पर बस आकर के रुकती है, बहुत खूबसूरत बना दिए गए सारे रोड। अभी नहीं मुझे पता है मैं किस रोड पे हूँ, बट आगे फिर रेड लाइट आ गई, मुझे ये कैमरा बंद करना पड़ेगा, समस्या बहुत है ये तो। देखिए लाइट कितनी सुंदर लग रही है, यहीं से मैं 3-4 दिन पहले भी गुजरा था, अब दूसरी तरफ से आया हूँ, साइड पे भी लगा दी लाइट इन्होंने, इसको ना GoPro को हाथ में पकड़ करके वीडियो बना रहा हूँ मैं। और ये देखिए इस प्रकार बना रहा हूँ, सही आ रही नहीं आ रही, ये देखिए लोधी रोड की तरफ से जा करके फिर मैं INA पहुँचा, INA से आगे तक बहुत ज़्यादा जाम था, फिर किसी से पूछा कि बाहर बाइक पार्किंग में लगा सकते हैं, तो गेट के बाहर लिखा था नो पार्किंग, तो बाकियों ने भी लगाई थी, लड़का कहता लगा दो, तो पार्किंग में लगा करके मैं आया हूँ पार्क में, घास में पानी बहुत रखा है, कल बारिश हुई होगी ना इस कारण से। ये देखिए कितने बच्चे खेल रहे हैं, बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, ये जगह का नाम नहीं मुझे पता है, बट एंड्रूगंज के पास ही है, एंड्रूगंज साउथ एक्स के पास ही है, स्कूल के बच्चे भी आए हुए हैं। आज मैं थोड़ा लेट हो गया घर से निकलते टाइम, अभी ना थोड़ा अंधेरा होने लग गया है, टाइम 7 बज चुके हैं, तो लाइट ऑन हो चुकी है, उस तरफ ही है, बहुत बड़ा पार्क है ये, देखिए कितने बड़े बड़े लगे हुए हैं, पेड़ है क्या कह सकते हैं इसको। अभी मैं जहाँ पर बैठा हूँ अभी पानी पीते हैं, बैग में बस कुछ नहीं है, पानी की बोतल है और बस यही है सामान, ज़्यादा कुछ नहीं मैं लेकर के चला। अभी मैंने चेयर चेंज कर दी, पहले वहाँ बैठा था अब जहाँ बैठ गया हूँ, तो अभी जहाँ से दृश्य देखते हैं। देखिए सामने बच्चे, बच्चों के खेलने के लिए कितना बढ़िया बनाया गया है, वो सामने ही है एक्सरसाइज करने के लिए, कुल मिला के कुछ भी कहो बढ़िया है जगह। तो अभी थोड़ा आगे चलते हैं और घूमते हैं पार्क। आज मैंने टी शर्ट और पजामा बिल्कुल ब्लैक ही पहने, ऊपर से नीचे तक ब्लैक, और जो जूते हैं वो है वाइट, तो ये देखिए लोअर, ये टी शर्ट बिल्कुल ब्लैक। तो इस तरह देखिए एक्सरसाइज करने के लिए ज़्यादातर औरतें ही हैं, जैसे जंदर में मैं गया था तब भी वहाँ पर सारे के सारा ये जो लगाया है औरतें ही एक्सरसाइज कर रही थी। एक तो थोड़ा लेट हो गया ना, अंधेरा होने लग गया ना, उस कारण से थोड़ा होता है कि वीडियो की क्लैरिटी इतनी बढ़िया नहीं बन पाती। ये तो बहुत बड़ा पार्क है, ये देखिए काफ़ी मैं चल करके आ गया, तो आगे ये है, ये एक्सरसाइज करने के लिए है, इससे आगे है बच्चों के खेलने के लिए, उससे आगे फिर पार्क है, अब ये पूरा तैयार हो रहा है, इससे आगे है फुटबॉल, ये सारा खेलने के लिए, आगे चलते हैं अभी। अब जा कर के जहाँ पर ये ख़त्म हो जाता है, सामने वॉलीबॉल खेल रहे हैं, क्रिकेट भी है। सो मुझे एक चीज़ बहुत बेस्ट लगी, हर चीज़ का अलग अलग एरिया बनाया गया है, यदि मान लो क्रिकेट खेलनी है उसके लिए अलग जगह बनाई गई है कि जहाँ पर आ कर के आप क्रिकेट खेलो, और एक्सरसाइज के लिए अलग है, बच्चों के लिए अलग है, तो बढ़िया है। लेकिन कल की जो बारिश हुई है उस कारण से ना पानी पानी हुआ है। अभी मैं 4-5 लोगों से पार्क का नाम पूछा है, जितनों से पूछा है उनको पता ही नहीं है, कोई कहता है गोम पार्क ऐसे कुछ है, और ये जगह है जमरतपुर, और मुझे पक्का नहीं पता, किसी ने बता दिया सो मैंने आपको बता दिया। अभी ठीक है, अभी सो
सोच रहा हूँ कि यहीं से चलते हैं, अंधेरे हो गया है, पीछे का आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मेरी बस शक्ल ही दिखाई दे रही होगी। अब ये पार्क से बाहर की तरफ चलता हूँ, टाइम भी काफ़ी हो चुका है। अभी मोबाइल की लाइट मेरे चेहरे पर पड़ रही है और नीचे दिखाई नहीं दे रहा। अभी मुझे बाहर निकलते निकलते 10 मिनट लग जाएंगे, बहुत लंबा बड़ा पार्क है, तो ये ध्यान से क्योंकि पानी बहुत हुआ है। पहले जैसे मैंने काफ़ी ज़्यादा पानी था उसमें पैर रख दिया, ओहो अभी देखो ऐसे करके पैर फंस गया मेरा यार। ये देखो अभी यहीं ब्लॉग को स्टॉप करता हूँ, पैर धोता हूँ, फिर यहीं से थोड़ा बाहर निकलते हैं। किसी से पता कर रहा हूँ यहीं पास कहीं पानी का नल हो तो वहाँ पे पैर धो लूँ। चिकड़ वाला नवा ड्रामा शुरू हो गया, अभी पैरों में ना जैसे चल रहा हूँ चिप 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 लग रहा है पूरा। भाई पार्क में तो कोई नल दिखाई नहीं दे रहा, बाहर की तरफ होगा तो ठीक है। सामने एक पाइप नज़र आई है, शायद उसमें पानी हो, नहीं है तो जो मेरे पास बोतल है ना इतना पानी पीना था पी लूँगा, बाकी इससे पैर धो लूँगा। अभी देखते हैं इसमें है, जे भी खाली है, बाकी कहीं पानी नहीं मिला, यहीं मिला था मैंने ऐसे करके ना कर लिया, बाकी घर जाके धो लूँगा। चलते हैं पार्क से बाहर, भी मैं पहुँच चुका हूँ, सामने बाइक को लगाया था पार्किंग में, सो भी लेते हैं बाइक, हेलमेट लगाते हैं, चलते हैं। गाइस अभी मैं घर पहुंच चुका हूं, टाइम काफ़ी हो चुका है, 9 बज चुके हैं, लेकिन अभी तक इनका सूट का काम नहीं हुआ है। बहन पता नहीं क्या करके मानेगी अब हैं, तो ये सूट की सिलाई कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, इससे आपने सूट सिलवाना हो 75 रुपीज़ इसकी सिलवाई है, उसी के बीच में ये अपनी तरह से क्या कहते हैं इसको, तो जो भी है वो लगा देती है, लेस लूस जो भी है, तो ये मशीन इसी के लिए लेकर आए हैं। अभी जब तक ये जहाँ रहेगी ना 10-12 सूट सिलवाएंगे तो हमारा मशीन का निकल जाएगा फिर, ठीक है। जल्द से जल्द हमने ना ये मशीन फ्री करनी है, तो अभी तक खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है, सुबह सब्जी बना रखे थे, अभी रोटी का मन है। आराध्या क्या मांग रही है, कह रही मैं चलाऊंगी मशीन। आराध्या तुम भी चला, तुझे भी कोर्स करवाएंगे चंडीगढ़ से, तुझे भी कोर्स करवाएंगे। सोराध्या कह रही है मैं मशीन चलाऊंगी। पापी आ जाओ, आप भी बैठो। हमारे घर के पास पनीर की दुकान है, बहुत बढ़िया है, तो अभी डॉक्टर ने कहा था मोहित को ना पनीर देने के लिए, सो थोड़ा ना कमजोर हो रहा हूँ। अभी टाइम हो चुका है रात्रि के 12:30 और टेलर ने सूट सिल ली है। अभी मम्मी चाय बना करके ले आए हैं, और हमारे घर में चाय के साथ क्या खाते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये है चाय, साथ में है ये सेब, तो एक सेब का पीस खाएंगे, एक साथ में चाय की चुस्की लेंगे। तो इन्होंने खा ली है, बस मेरे सेब पड़े हुए हैं, साथ में चाय साथ में सेब, सो ऐसे ही हम खाते हैं। कि भाई आलू खाते हैं साथ में, कि भाई आलू खा रहा चाय के साथ। सो ये मजाक कर रहा था, राध्या के लिए काट के रखे थे, राध्या ने नहीं खाए तो जहाँ रख दिए। सो गाइस इस ब्लॉग का यहीं पर करते हैं एंड, मिलते हैं कल। वीडियो अच्छी लगी हो कृपया इस वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद जय भारत, बाय बाय।